भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य प्रथम तल का जो निर्माण कार्य हुआ अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और भगवान राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। एयरपोर्ट का प्रथम फेज का जो कार्य है वह सितंबर से अक्टूबर में पूरा कर लिया जाएगा और यहां पर सितंबर या अक्टूबर में विमान भी आना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि देशों से विदेशों से श्रद्धालु अयोध्या आ सकेंगे, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन भी कर सकेंगे। और श्री राम एयरपोर्ट की खास बात यह होगी कि यह जो एयरपोर्ट होगा वह राम मंदिर के पत्थरों से ही बनाया जाएगा, यानी कि जो जिस पत्थर से भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है उसी पत्थर से श्री राम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और अपने आराध्य के दर्शन अयोध्या यानी कि श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे तो उनको दर्शन यहीं से होगा, क्योंकि राम मंदिर का जो शिखर है वह 161 फीट ऊंचा होगा और जब एयरपोर्ट पे राम भक्त पहुंचेंगे तो अपने आराध्य का दर्शन भी यहीं श्री राम एयरपोर्ट से ही कर सकेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं एयरपोर्ट में और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए विशेष इंतजाम भी एयरपोर्ट पे किए जाएंगे और जिसके लिए सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है और किसी प्रकार की समस्या ना हो जिसके लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं और जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है वह पूरा कर लिया जाएगा और श्रद्धालुओं को तमाम प्रकार की सुविधाएं भी श्री राम एयरपोर्ट पे मिलेगी। ऐसा है जहां पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहां पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अयोध्या शहर या अयोध्या जो मंदिर है उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं और इसी कोशिश में कि ये एयरपोर्ट जल्दी से पूरा हो और पत्थर के आने में डिले ना हो, क्योंकि जो स्टोन वहाँ लग रहा है उसकी खपत बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से सप्लाई में भी टाइम लगता है और इस वजह से हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर बनाया है अभी हम लोगों ने उसे GRC में पूरा करेंगे। जो भी एक खूबसूरत जो पीछे आपके जो दिख रहा है आपको वो आपको नज़र आएगा और उसका जो तर्ज होगी वो लगभग लगभग अयोध्या राम मंदिर के हिसाब से। देखिए फेज़ वन के लिए जो हमारा डे लाइट में लैंडिंग का प्रपोजल था वो बाद में नाइट लैंडिंग में कन्वर्ट किया, तो नाइट लैंडिंग की वजह से हम लोगों की कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए, उसकी वजह से अब हम लोग जो है इसको लगभग लगभग जून तक कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोगों ने रनवे को करीब 900 मीटर शिफ्ट किया है, रनवे का थ्रेशोल्ड शिफ्ट चेंज हुआ है, टर्मिनल बिल्डिंग में भी कुछ चेंजेस हैं, तो उन सभी चेंजेस के मद्देनज़र अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जून तक सिविल और इलेक्ट्रिकल रनवे और बिल्डिंग का काम पूरा कर देंगे। कि जो प्रपोजल अब तक 31 मार्च का था वो अब लगभग लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो स्पाइस जेट हो या अलायंस एयर हो, उन सब का भी बिड वगैरह प्रोसेस में है, तो मेरे ख्याल से उसके आसपास से ये उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। नहीं देखिए RCS एयरपोर्ट का जो योजना है, RCS एयरपोर्ट के तहत जो फैसिलिटी होती हैं उससे ज़्यादा ही फैसिलिटी हम यहाँ देंगे। टर्मिनल बिल्डिंग में कन्वेयर बेल्ट वगैरह भी होगा, चेक इन काउंटर्स भी होंगे और आम तौर पर एक टैक्सी वे होता है, हम यहाँ पर 2 टैक्सी वे देंगे। नॉर्मली 3 से 4 जहाज़ खड़े करने का स्थान बनाएंगे, तो इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई हम इसमें कोई कमी छोड़ेंगे। जितनी भी फैसिलिटेशन पैसेंजर्स को मिलना चाहिए वो पैसेंजर्स को फैसिलिटेशन देंगे। करीब करीब 300 पैसेंजर्स पीक आवर्स कैपेसिटी की बिल्डिंग बनाएंगे, जो एक घंटे में करीब करीब
300 पैसेंजर्स को कैटर करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमको इसमें फैसिलिटी जो दे सकते हैं मैक्सिमम देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।